के सुशांत जी नमस्कार कार्यक्रम में स्वागत है। आई थिंक इस मई फर्स्ट वीक 3 मई तक बाजार में सबसे हर चीज़ काफ़ी स्ट्रांग थी, लेकिन आई थिंक ये लो वोटिंग परसेंटेज ने ये बाज़ार का थोड़ा कन्विक्शन कम कर दिया। बट आपकी सुशांत जी अप्रोच क्या है, क्या एनडीए अगर एक ठीक ठाक नंबर भी ले आए, मेजॉरिटी गेन कर ले, तो भी क्या बाजार के स्ट्रक्चर पे कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा? आपका व्यू क्या है, आप इस नंबर इक्वेशन को कैसे रीड कर रहे हैं, आप लोगों ने पिक्चर क्या ड्रॉ करी है, वर्स्ट केस में क्या हो सकता है और बेस्ट केस में अगले 1 महीने में क्या पॉसिबल है? सो बाजार का रुख डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में इलेक्शंस के रिजल्ट्स और उसके एस्टिमेट्स के ऊपर निर्भर रहेगा। नेक्स्ट 10 दिन तक आई थिंक काफी उतार चढ़ाव, जैसे हम इस महीने देख रहे हैं, ऑलरेडी महीने के शुरू में बाजार तेजी में था, फिर सडनली बाजार गिरा, फिर वापस लास्ट 10 दिन से बाजार वापस नई ऊंचाइयों पे की तरफ अग्रसर हो रहा है। बट ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसकी सरकार बनेगी। बट 30 साल से हम एक ही चीज देख रहे हैं इंडिया में कि एक स्टेबल सरकार बन रही है आफ्टर एवरी इलेक्शन। 2004 में भी उलटफेर हुआ, 2009 में वापस कांग्रेस की सरकार बनी, 2014 में एक नई सरकार बनी, बट हमेशा एक स्टेबल सरकार गवर्नमेंट बनी है इंडिया की। पब्लिक ने आई थिंक एक अच्छा फैसला दिया है हमेशा लास्ट 20-25 सालों में, और न सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बट इवन स्टेट गवर्नमेंट्स में भी। और इसका आई वुड से फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव यही है कि स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी तो पॉलिसीज भी स्टेबल रहेगी। और एक और अनोखी चीज हमने देखी है लास्ट 20 सालों में कि किसी भी नई गवर्नमेंट ने पुराने गवर्नमेंट के अच्छे फैसलों को उलटफेर नहीं किया है और अच्छी पॉलिसीज को रादर और अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, उनका और अच्छे से यूज किया है। एंड इवन करंट बीजेपी गवर्नमेंट है, उसने भी पिछली गवर्नमेंट्स के जो भी अच्छे चीजें थी उनको उन्होंने आगे बढ़ाया है, कि मनरेगा हो या आधार से लिंक्ड हो या नए बैंक का हो, सारे जो भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पिछली गवर्नमेंट ने किए हैं उनको उन्होंने आगे ही बढ़ाया है। और हमें यही उम्मीद रहेगी कि जो भी नई गवर्नमेंट बनेगी, भले बीजेपी एनडीए की बने या किसी अदर कॉम्बिनेशन की बने, वो पॉलिसीज को स्टेबल रखेंगे और इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है जो 2055-56 तक तकरीबन रहेगा आजकल के अनुमान के अनुसार, वो उसका फायदा उठाने के लिए हर गवर्नमेंट आई थिंक बेसब्री से काम करेगी और बाजार को अर्निंग्स डिलीवर करेगी और नतीजन हमारे हिसाब से इक्विटी मार्केट नेक्स्ट 10-20 साल तक अच्छे चलते रहेंगे। चलिए, तो नीतिगत फैसले में कोई बदलाव नहीं होगा, नीतियों में कोई बदलाव नहीं होगा, और अगर नीतियां वही रहीं, अब आते हैं कमिंग बैक टू आई थिंक अर्निंग्स, इस बार का ये जो अर्निंग सीजन बीता आपको लगा कैसा? आई मीन बहुत से एनालिस्ट और आई थिंक विशेषज्ञों का मानना ये है कि टॉप लाइन इस बार काफ़ी हद तक स्थिर रहा, न कोई सब्सटेंशियल जंप ना या फिर कोई ड्रॉप भी नहीं था, बट बहुत प्रभावशाली नहीं रहा। आपके मुताबिक ये अर्निंग सीजन कैसा रहा और वो अंश बाजार के, वो धड़े, वो सेगमेंट्स जहाँ पे आपको अर्निंग्स कन्विक्शन देखी गई, वो एक दो स्पेस क्या थे? तो आपने नहीं सही पकड़ा, आई थिंक सेल्स ग्रोथ जो है वो काफी स्टेबल रही है। लास्ट 2-3 क्वार्टर्स हम देख रहे हैं कि सेल्स ग्रोथ जो डबल डिजिट में हो रही थी वो सिंगल डिजिट में आ गई है और अर्निंग्स को सिर्फ मार्जिन बचा रहे हैं इस पूरे साल में, बिकॉज इन्फ्लेशन रिवर्स हुआ है। सो ग्रॉस मार्जिन बड़ा है वापस, और जिसकी वजह से EBITDA और प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन काफी अच्छे रहे हैं पिछले साल के मुकाबले, और प्रॉफिट ग्रोथ मोस्टली कंप्रेशन ऑफ इन्फ्लेशन की वजह से आई है, जब ना कि ऑपरेटिंग लीवरेज जो कि सेल्स ग्रोथ से होता है। और ये क्वार्टर भी तकरीबन अभी तक तो ऐसे ही रहा है, अभी तक ऑलमोस्ट 70-80% रिजल्ट आ चुके हैं और आई थिंक ज्यादा सरप्राइजेज नहीं आए थैंकफुली। और किसी के अगर सेल्स ग्रोथ कम आई है तो मार्जिन बढ़ गया है, और जहाँ पे सेल्स ग्रोथ ठीक आई है वहाँ पे मार्जिन अगर कम हुआ है तो भी ओवरऑल रिजल्ट्स आई थिंक ज्यादा नेगेटिव सरप्राइजेज या पॉजिटिव सरप्राइजेज इस क्वार्टर में तकरीबन काफी कम आए हैं लास्ट 1-2 क्वार्टर के मुकाबले, जिसका मतलब यह है कि एनालिस्ट आर एबल टू प्रेडिक्ट द अर्निंग्स मच बेटर दिस टाइम कम्पेयर टू लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, और उसकी वजह से आई थिंक बाजार काफी स्थिर है। और लास्ट 4-5 महीने से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 22 से 23 हजार के बीच में जनवरी से चल रहा है,
जो बड़ी तेजी आई थी विधानसभा इलेक्शंस के बाद में दिसंबर से, जब बाजार वहां से इनफैक्ट टोटल मार्केट कैप जो है 4 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन हो गया, ऑलमोस्ट 25% बढ़त हुई है मार्केट कैप में लास्ट 6 महीने में। लार्ज पार्ट ऑफ इट वाज इन द फर्स्ट 3-4 मंथ्स इटसेल्फ। और लास्ट 2-3 महीने से बाजार सिर्फ आई थिंक ऊपर नीचे ही हो रहा है और मार्केट कैप वहीं पे स्थिर है। तो रिजल्ट्स के अर्निंग्स के मुकाबले आई थिंक हमको फ्रॉम अ सेक्टोरल पर्सपेक्टिव आईटी के रिजल्ट्स उम्मीद से अच्छे आए हैं हमारे हिसाब से। और कंज्यूमर कंपनीज के जो नंबर्स है वहां पे अभी थोड़ी रिकवरी दिखी है, तो रूरल की वजह से जहाँ पे काफी लोगों को आई थिंक 2-3 साल से थोड़ा सा सेल्स ग्रोथ कम आ रहा था, वॉल्यूम ग्रोथ कम आ रहा था, वो थोड़ा सा लग रहा है कि बॉटम आउट हो गया है और सेल्स ग्रोथ रूरल से भी आने लग गई है। तो इस ये बीच दो सन सेक्टर्स आई फार्मा के थिंक नंबर्स आ रहे हैं सुशांत, बेग योर पार्डन, मैं एक बार आपको रोक रही हूँ। 2655 करोड़ का मुनाफा, 2377 करोड़ का अनुमान था, तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस है। एक आप कह सकते हैं एक तगड़ा बीट है मुनाफे के फ्रंट पर। 2655 करोड़ कंपनी ने किया है डिलीवर, जहाँ पर 2377 करोड़ का एक्सपेक्टेशन मार्केट लगाकर बैठा था। तो वो फिगर दरअसल काफ़ी बढ़िया आता हुआ। आगे कुछ और डिटेल्स आपके लेकर आएंगे, और स्पेशली ये ध्यान देना होगा कि यूएस बिजनेस कंपनी का कितना कमाल कर पाया है, क्योंकि यूएस में प्राइसिंग और वहाँ पर जेनरिक्स का ड्राइव कितना कारगर साबित हुआ है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, वो फाइन प्रिंट मार्केट देखना चाहेगा। स्टॉक निचले लेवल से थोड़ी सी अपनी चाल को कुछ बेहतर कर पाने में कामयाब रहा है। आपको याद होगा कंपनी के जो टैरो के नंबर्स आए थे वहाँ पर परफॉर्मेंस कुछ डिसेंट देखने को मिला था। ये पहला आंकड़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। स्टॉक अभी भी 0.5% नीचे, कुछ और डिटेल्स आने देंगे, लेकिन टेकिंग दिस वेरी पॉइंट फॉरवर्ड सुशांत, ये फार्मा कंपनियाँ जहाँ पर हमने देखा है कई सारे प्लेयर्स ने अब की बारी कहा है कि यूएस मार्केट में कुछ प्रोडक्ट लॉन्चेस का फायदा, कुछ बेहतर प्राइसिंग का फायदा आता हुआ दिखाई दिया है। नो नॉर्मली आप फार्मा को एक बहुत तगड़े डिफेंसिव के तौर पर ट्रीट करते हैं, लेकिन FY25 में कितनी जगह आप अपने पोर्टफोलियो में इन फार्मा कंपनियों को देंगे ऑन द बैक ऑफ दिस कमेंट्री कि यूएस बिजनेस कुछ बेहतर करने लगा है? आई थिंक लास्ट 2-3 क्वार्टर से यूएस बेस्ड जो फार्मा बिजनेस है जिनका अच्छा यूएस एक्सपोजर है वो काफी अच्छा कर रहे हैं, और इनफैक्ट हमारे पोर्टफोलियोज में भी हमने थोड़ा एडिशन किया है, थोड़ा स्यूडो यूएस बिजनेसेस, नॉट नेसेसरली यूएस जेनेरिक्स, बट यूएस जेनेरिक्स को उन यूएस कंपनियों इनोवेटर्स को सप्लाई करने वाले बिजनेसेस CDMO वगैरह में वहां पे हमने एडिशन किया है, और हमें काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। प्राइसिंग पावर थोड़ी वापस आई है इन कंपनीज की, और मार्जिन्स जो गिर रहे थे वो स्टेबल हो गए हैं, तो इस वजह से FY25 विल बी अ गुड ईयर फॉर यूएस फार्मा बिजनेसेस। आप सीधे इन फार्मा कंपनियों के बजाय CDMO API सप्लाई करने वाली कंपनियों में ज्यादा कन्विक्शन देखते हैं? हाँ, वो तो क्योंकि हमारे हिसाब से ज्यादा स्टेबल बिजनेसेस रहते हैं, और एक बार बिजनेस उनकी तरफ आ जाता है काफी लॉन्ग लास्टिंग रहता है, और उनपे प्राइसिंग प्रेशर कंपेरेटिवली कम रहता है। अच्छा, एक चीज जो आप मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी और एग्जीक्यूशन की बात कर रहे थे, एक चीज आपने भी विटनेस की होगी कि मेटल के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, और ये शायद Q1 ऑनवर्ड्स या Q2 ऑनवर्ड्स थोड़ी सी इंडस्ट्री के लिए पेनफुल साबित होता हुआ दिखाई दे सकता है। कितना ड्रैग करेगा ये ऑटो सेक्टर के मार्जिन्स पर से? सो टिपिकली आई थिंक ये जो ट्रेंड रहता है 1-2 क्वार्टर के लैग से इम्पैक्ट आता है अर्निंग्स पे, OEMs के अर्निंग्स पे मेटल प्राइसेस का। डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम्स पास ऑन हो जाता है 1-2 क्वार्टर के लैग से, बट एक प्रॉब्ली Q1 और Q2 दो OEMs बोथ ऑन 2 व्हीलर एज वेल एज 4 व्हीलर साइड विल हैव एन इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ हाई मेटल। मीनवेल आप निफ्टी का स्पाइक देखिए, और ये मैं इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि आज का दिन और कल के दिन के प्रोस्पेक्टिव से महत्वपूर्ण है। अगर हम 600 के ऊपर क्लोज दें और कल हमें एक ठीक ठाक ओपनिंग भी मिल जाए तो क्लस्टर निफ्टी का चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। जो पिछले 2 दिन से परसिस्ट कर रहा है बिटवीन 22,400 to 22,600, उसका क्लस्टर चेंज हो जाएगा। बट अच्छा सुशांत जी, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। बीते 2 महीने की सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ बाज़ार को प्रभावित करके गई वो थी क्रूड का सेटअप। क्रूड
अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आई थिंक इतनी वोलेटिलिटी, इतने अगर आप देखें जियोपॉलिटिकल टेंशंस आई थिंक चरम पर थे बीते डेढ़ महीने में, उसके बावजूद 82 की ट्रेजेक्ट्री को होल्ड करना, इससे अगर आप देखें बहुत ज़्यादा ना ऊपर ना नीचे जाना, OMCs पर या फिर एविएशन कंपनियों पर या फिर क्रूड डेरिवेटिव्स को इस्तेमाल करने वाली कंपनियों पर आपका व्यू क्या है इस मद्देनज़र? नहीं, यकीनन जियोपॉलिटिकल टेंशंस काफ़ी हाई लेवल पे हैं और जनरली इसकी वजह से वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, जो इस बार तकरीबन काफ़ी कम रही रिलेटिवली, और अगर ऐसे ही अगर चलता रहा तो आई थिंक प्रॉफिट मार्जिन्स ऑफ OMCs विल बिकम बेटर बिकॉज स्टेबल प्राइसिंग हेल्प्स देम मेंटेन देयर मार्जिन्स। वॉलेटिलिटी की वजह से कंपनीज काफ़ी बार हेज नहीं कर पाती हैं अच्छे से, और उसकी वजह से उनके मार्जिन पे शॉर्ट टर्म पे इम्पैक्ट आता है, तो अगर प्राइसेस अगर स्टेबल रहेगी तो उनके मार्जिन ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। और OMCs का एक और अभी बिकॉज इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, देर माइट बी प्राइस चेंजेस पोस्ट इलेक्शन एज वेल, सो OMCs पे प्रॉब्ली पॉजिटिव रहना आई थिंक। ओके, अच्छा अब आते हैं सर इस बाजार का सबसे जो कमज़ोर धड़ा है और वो है IT, मिड कैप IT, लार्ज कैप IT, और इस बार की अर्निंग्स बहुत अगर आप देखें उत्साहित नहीं थी, उत्साहित करने वाली थी भी नहीं, बट उन नंबर्स के आगे प्राइस डैमेज काफ़ी सिवियर है सर। ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स में अगर बात करूँ, ये इंडेक्स अभी भी अपने 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, एंड स्पेशली ये वीकनेस तब और खलती है जब US में NASDAQ बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस दे रहा है, और हमारे और NASDAQ की प्राइस परफॉर्मेंस के बीच में एक ज़मीन आसमान का आई थिंक अंतर आ गया है। ट्रेडर्स शायद इस डिफरेंशियल को प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी आई थिंक कोई क्रिटिकल मूवमेंट नहीं आया है, मतलब ऐसा टेक्निकल ग्राउंड पे तो एटलीस्ट नहीं कर रहा है निफ्टी IT ऐसा कि जिससे मैं कह सकूं कि हाँ स्टेबल हो गया इंडेक्स। आपका IT पर व्यू या फिर लार्ज कैप IT पे व्यू, मिड कैप IT पे व्यू इस वक्त? IT कंपनीज आई थिंक अर्निंग्स बॉटम आउट FY24 में हो गई है, और आगे से हमको आई थिंक ज्यादा ग्रोथ दिखने को मिलेगी कंपेयर टू लास्ट 2 साल में जो हमें शॉक्स दिखे हैं काफी टाइम IT कंपनीज के रिजल्ट्स में, वो शायद कम रहेंगे। US इकोनॉमी अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है, और रिसेशन का आई थिंक हम लोग काफी टाइम से वेट ही कर रहे हैं बट हो नहीं रहा है, और जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो काफी अभी तक ऊंचे स्तर पर ही है और नीचे नहीं गिर पाए हैं। इनफैक्ट जो इंटरेस्ट रेट रिडक्शन थे वो 6 टाइम से 3 टाइम से ऑलमोस्ट 1 टाइम पे आ गया है इस साल के लिए, और शायद अगर इन्फ्लेशन इसी तरीके से चलता रहा US में और इकोनॉमी अगर स्ट्रॉन्ग रही तो शायद रेट्स गिरे भी नहीं इस साल, और उसकी वजह से वैल्यूएशंस पे डेफिनेटली इक्विटी मार्केट्स में असर पड़ेगा, और थोड़ा बहुत FI सेलिंग जो हमने देखा है अर्लियर दिस मंथ, अ लार्ज पार्ट इन आवर व्यू इज बिकॉज ऑफ दैट रीजन देन एनी अदर रीजन। IT कंपनीज के रिजल्ट पर से आई थिंक उम्मीद के हिसाब से हमारे हिसाब से तो रिजल्ट काफी ठीक ठाक ही आए हैं मोस्ट ऑफ द कंपनीज के, और इनफैक्ट IT कंपनीज हैव कंटिन्यू टू डिलीवर मच मोर देन लार्ज कैप IT कंपनीज लाइक प्रीवियस फ्यू क्वार्टर्स, और ये ट्रेंड हमेशा आई थिंक लास्ट नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में चलता ही रहेगा, क्योंकि ये कंपनीज आई थिंक ने काफी अपने आप को पोजिशनिंग अच्छी की है। ये लोग मोस्ट ऑफ द मिड कैप कंपनीज हैड सम नीश बिजनेसेस जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया है, एंड दे हैव डन लॉट्स ऑफ हायरिंग फ्रॉम सीनियर टीम मेंबर्स ऑफ द लार्ज बिग बॉयज, तो काफी सारा टैलेंट आई थिंक इन नई इन मिड कैप और छोटी स्मॉल कैप कंपनी IT कंपनीज में आया है, और ये लोग बिजनेस को काफी अच्छे से बढ़ा पा रहे हैं अच्छी टैलेंट हायरिंग और नीश बिजनेस।